राज्यसभा के एमपी विनय कटियार हमारे साथ है। इन्होंने वोट किया है आज, और सर आपने वोट किया है, क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? फैजाबाद की बात करें तो राम मंदिर बड़ा इशू रहा, क्या इस बार इस इलेक्शन में ये मुद्दा है? जरूर है, विकास का भी मुद्दा है, राम मंदिर का भी मुद्दा, और उसको कैसे राम मंदिर बनाना है, जब जीत जाएंगे तो सब बैठ करके तय करेंगे किस रूप में उसको बनाना है। लेकिन बीजेपी ने तो कहा कि इस बार हम राम मंदिर आस्था का विषय है, इस पर वोट नहीं मांगेंगे, और वोट नहीं मांगा उन्होंने यहाँ पे। हाँ, वोट नहीं मांगा, वो तो कह रहे हैं हमारी आस्था का विषय है, हमारे लिए विकास मुद्दा है। विकास का भी है, और हमारे घोषणा पत्र में जो शपथ पत्र है उसमें भी राम मंदिर है। आप तो कहते रहते हैं, आप बार बार कहते रहते हैं, लेकिन बाकी नेता इसको इनकार करते रहते हैं, कभी इस मुद्दे को बात नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं, आपको लगता है कि इस बार सरकार, केंद्र में आपकी सरकार है, अगर यूपी में आपकी सरकार बनती है तो इस इश्यू को उठाएंगे और राम मंदिर का मुद्दा बनेगा? हाँ, जरूर जरूर होगा। यूपी में जो साथ है ये आपको पसंद आ रहा कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल। देखिए तो साफ माना कटियार साहब का कि मुद्दा जो है वो राम मंदिर है इस बार भी, और राम मंदिर के मुद्दे पर ही इस बार भी वोट पड़ेगा, और कहीं ना कहीं केंद्र में सरकार है, अगर यूपी में सरकार बनती है तो एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद फहीम के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, फैजाबाद।